चैन को छतरी वाली आ रहा है, आ रही है। इसलिए तो छतरी खोली थी आपने जो बंद करवा दी। रकुल जी मैम राइट में आपके मैम नहीं सही अच्छा दिखेगा नहीं वो फिर नाम Guys, देसी वाइब्स विद शहनाज़ स्किल्स जरूर देखना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ देखिए आपके लिफ्ट में, सेनाजी सामने। सेनाजी मामी आ, राइट में आपके, आपके लिफ्ट में मार। राइट। Happy New Year। मैं भी यार। या। And Happy Lohri। Happy Lohri। Happy Lohri। Same to you। Happy Lohri। Okay? गाना आपका अच्छा था। एक नंबर थैंक यू आज रकुलप्रीत आई थी, मेरा फोर्थ एपिसोड है एंड मैं 3 एपिसोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी एंड सक्सेसफुली बहुत अच्छे जा रहे हैं। मुझे है कि ऐसे ही मैं लाइक शो करती रहूँ क्योंकि लोगों को मज़ा आ रहा है। सो लोग वेट करते हैं कि शो कब आएगा कब आएगा। सो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, प्लीज़ थैंक यू। तो ऐसे है कि बस करती जाऊँ, प्राउड फील होता है देसी वाइब्स विद शहनाज़ गिल, अपना शो है खुद का। तो प्रे करो कि स्पॉन्सर मिल जाए अब, कि खुद के पैसे हमारे जो लग रहे हैं वो बच जाए, स्पॉन्सर हो जाए। काफी अमेजिंग था, राजकुमार जी भी आए थे, विक्की कौशल ना और रकुलप्रीत, मैं आयुष्मान खुराना, सॉरी आयुष्मान खुराना भी आए थे। मैं आपसे जानना होगा इस शो की शुरुआत, लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड द शो, किस तरह से आपने सोचा कि ये शो करना चाहिए मुझे, एंड काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पहले तो। मुझे लगता है कि हमें कुछ नेचुरल करना चाहिए, लाइक नेचुरल चीजें बहुत कम देखने को मिलती है हमारे शो में। कुछ ऐसे नहीं, कोई आता है हम बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, हम कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करते किसी की पर्सनल लाइफ पे किसी को, वैसे हम अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराते हैं और जैसी उनको बात करनी है हम वैसी बात करते हैं। सो उनको भी कंफर्ट जोन आता है कि राइट ओके हाँ बात करनी चाहिए। तो हर कोई मज़े करके जाता है, तो ऐसे शोज़ भी बने चाहिए क्योंकि सबको, नहीं तो किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, ये कर लो ये पूछ लो ये पूछ लो, तो हमें ऐसी फुटेज नहीं चाहिए। आई होप आप कमेंट सेक्शन पढ़ते होंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट आज तक आपको ये आया कि शो पे सलमान सर कब आने वाले, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप प्रे करो कि सलमान सर मेरे शो में आए, बस यही बोल सकती हूँ। सब लोग की यही दुआ है कि सलमान सर आए, किसी का भाई किसी की जान जब भी हो, वो पूरी स्टार कास्ट आपके शो में आए। उसके लिए आप अगर कुछ हिंट देना चाहो ऑडियंस को? मुझे कोई आइडिया नहीं है खुद को, लेकिन अगर आए तो बहुत अच्छी बात है। yes. प्रमोशन ही तो कर रहे हैं हम मूवीज की, right. तो उसमें तो मैं खुद लाइक उस मूवी में मैं खुद भी हूँ, हाँ. तो
अगर आए तो बढ़िया बात है, मुझे तो आओ, मैं सबका वेलकम करती हूँ। ओके, तो आज की मैं बात कर लूँ रकुलप्रीत जी आई, जिसकी शो आने वाला है छतरी वाली। उसका कॉन्सेप्ट काफी अमेजिंग है, आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट और ट्रेलर के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा स्टेप है के सेक्स एजुकेशन की बात करना और वो लोगों को अवेयरनेस लानी उस पर कि ये कुछ गलत नहीं है, एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन हमें बच्चों को फैमिली को ऐसे नहीं फील कराना चाहिए नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो ऐसे नहीं, एजुकेशन देनी ज़रूरी है क्योंकि इससे बीमारियां नहीं लगेगी एंड काफी कुछ है ना, प्रिकॉशंस जरूरी है लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2023 एज अ प्रोफेशनल वाइज? 2023 मेरा है, ऐसे देखती हूँ कि ये 2023 मेरा है। और कुछ अगर ओटीटी या फिर ऐसा कुछ अगर एक्सप्लोर करना हो तो क्या कुछ एक्सप्लोर करना? भाई कुछ भी, ओटीटी थिएटर कुछ भी आए, ग्रोथ करनी है बस लाइफ में, तो ऐसे होती जाएगी, तो बस काम करना है एज एन एक्टर, काम करना है। इंडिपेंडेंट सॉन्ग आने वाले समय में अगर कुछ आप बताना चाहो? ये हाँ, कुछ बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी सारे अपने पत्ते खोल दूंगी तो बचेगा क्या, थोड़ी एक्साइटमेंट। ठीक है शैला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।